वो भी एक एक्साइटिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो एकदम से चांस की बात, मैंने पासपोर्ट बना लिया था, नहीं तो मुझे एनओसी ना मिलता। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने पासपोर्ट नहीं बनाया, यार कहीं जॉब करते हैं तो पासपोर्ट जरूर बना लीजिए, कामयाब होंगे तो एनओसी नहीं मिलेगा, बिल्कुल तय मान के चलिए, ये अजीबोगरीब दुनिया है। तो मैंने उनको ऑफर एप्लीकेशन दिया कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया कि नहीं तुम नहीं जा सकते, ये कंडीशन वो कंडीशन, तमाम बातें बैंक में अभी ये हो रहा वो हो रहा, तमाम तरीके से। मैंने सादा कागज निकाला, वहीं पे रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा ये है मेरा रेजिग्नेशन, मैं जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। और इस तरीके से मैं बैंक से बाहर हो गया। और सच बताएं, जिस दिन मैं बैंक से बाहर निकला ना खुली हवा में, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे लगा कि बिल्कुल यही जिंदगी है, इसी को फ्रीडम कहते हैं, ना कोई बॉस है ना कुछ, मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। जिनको नहीं मालूम था उन सब ने कहा कि तुम बेवकूफ हो बॉस, तुमने ये क्या कर दिया। अभी भी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है डायमंड बन गए, लेकिन बैंक की नौकरी भी साइड में करते रहते, बड़े टिपिकल लोग मिले इसमें। लेकिन जब मैंने ऐसे जाके सबके सामने अनाउंस किया कि आज मैंने बैंक से रिजाइन कर दिया, आज मैं फ्री हूं, लोगों ने 10 मिनट तक तालियां बजाती रही। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि एग्जैक्टली हमें क्या पाने जा रहे हैं, तो आप उस चीज को कभी पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। धीरे धीरे चेंजेस आने लगे मेरे अंदर, और मुझे कामयाबी का जो सही अर्थ है, जो सही मीनिंग है, वो मुझे समझ में आने लगा। कहते ना कि जिंदगी में आपके अचीवमेंट से आपको कितना क्या मिलता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस अचीवमेंट से आप क्या बनते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अपने आप को कितना बदलते हैं, चेंज करते हैं। सक्सेस का मुझे मतलब समझ में आ गया। सक्सेस का ये मतलब नहीं कि केवल कितना मैंने पैसा कमाया,